चलिए सबकी छोड़िए, एक अप्रवासी भारतीय ही अप्रवासी भारतीयों से एक सवाल करता है। साहेब आते हैं, सब जगह ढोल नगाड़े नाच गाने होते हैं, ऐसी इमेज दी जाती है कि देश में अच्छे दिन आ चुके हैं। आप सबके दो तीन बालक तो होंगे, एक बालक को वन वे टिकट करा के भारत क्यों नहीं भेज देते? जब अमेरिका में जलसा हुआ था ना, तब भी मैंने सवाल किया था और तब भी मुझे जवाब नहीं मिला था। मिलेगा नहीं, क्योंकि आप जैसे अप्रवासी भारतीय देशद्रोही है, मक्कार हैं, बहरूपीय हैं। अगर आपको अपने देश की इतनी फिक्र होती ना, तो आप सत्य का सामना करते हैं। और जब सत्य स्थापित नहीं हो सकता ना, वहां धर्म कभी स्थापित हो ही नहीं सकता, तो राम राज्य तो भूल जाइए, अच्छे दिन नहीं आने वाले। क्योंकि आप लोग सब बैठ के एक झूठ को सहारा दे रहे हैं, इसी को देशद्रोह बोलते हैं। समझ में आई आपको बात? आप सवाल नहीं करते चीन पर, आप सवाल नहीं करते महंगाई पे, आप सवाल नहीं करते बेरोजगारी पे। जब साहेब आते हैं उनसे है? एक चाटुकारिता होती है ना, वो एक लिमिट तक रहे ना तब तक ठीक रहती है। ज्यादा गोलगप्पे भी खा ले ना तो हाजमा खराब हो जाता है। और दूसरा, माफिया मीडिया, ये गोदी मीडिया नहीं है, ये माफिया मीडिया है। जैसे हेल्थ केयर में होता है माफिया, जैसे एजुकेशन सेक्टर में माफिया होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में माफिया बैठे हैं, ये माफिया मीडिया है। वेरी एविडेंट, वेरी वेरी एविडेंट, ये किसके लिए बैटिंग करते हैं। कोई भी छोटा सा बच्चा भी हो ना, अगर वीडियो देखे इन लोगों के, तो वो पता देगा कि इनके लिए बैटिंग कर रहे हैं। तो जितने भी अप्रवासी भारतीय हैं, अगर आपके बालक हैं, दो तो सबके ही होंगे, और अगर एक है तो खुद चले जाए वन वे टिकट करा के, छोड़ दीजिए नागरिकता, जिस देश की नागरिकता आपने ली है, चले जाइए भारत वापस, किसने रोका है? यू आर मोस्ट वेलकम, रेड कार्पेट आपके लिए इंतजार कर रहा है, आपके बच्चों के लिए। चलिए मैं एक शर्त लगाता हूं, अपने बालक को 6 महीने भेज दीजिए। 6 दिन के बाद ना वो फोन करेगा, पापा पापा मेरे को वापस आना है, मेरे से तो रोड भी क्रॉस नहीं होती यहां पे। समझ में आई आपको बात? तो झूठ बोलना बंद करिए अपने देश से। क्योंकि क्या है, देश तो परमानेंट है, ये आपकी चाटुकारिता है ना, ये परमानेंट नहीं रहेगी। क्योंकि नेता कभी परमानेंट नहीं रहता, ये तो आएंगे और जाएंगे, जैसे अटल जी बोल गए थे ना, मगर प्रजातंत्र रहना चाहिए। तो आप लोग आज की तारीख में प्रजातंत्र के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक बन चुके हैं, जो देश के बाहर अप्रवासी भारतीय रहते हैं और जो देशवासियों से झूठ बोल रहे हैं। और ऐसे नजारे देखना बंद कर दीजिए और दिखाने भी बंद कर दीजिए, क्योंकि जो दूसरे लोग जो आपके आसपास है ना, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली, वो सब आप पे हंसते हैं, क्योंकि उनको सब पता है कि अपने देश में क्या चल रहा है। ठीक है, तो बेचिए अपने मालक को वन वे टिकट करा के देश की, दिल्ली, बंबई, हैदराबाद, जिधर की भी पोर्ट ऑफ एंट्री चाहिए। जय हिंद, भारत माता की जय।